हालांकि कई साल नहीं हुआ है, बहुत कम दिन ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा शुरू से हो रहा है। लेकिन अभी तो और ज्यादा संभावना जो है अगस्त का और सितंबर का, तो इसको ध्यान में रख करके हम लोगों को चलना है। इतने ही से तो काम चलेगा नहीं, बिल्कुल सर, और हम डे वन से इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लगातार यही बात शुरू से कह रहे हैं कि भाई इस बात का ध्यान रखिए कि और जो बढ़ेगा फ्लो, तो वैसी स्थिति में और जिसकी संभावना है, अभी ये आपका जुलाई महीना है, ये जुलाई महीना कोई उतना ज्यादा नहीं मान करके चला जाता है, एक हुआ और काफी असर पड़ा है। अब जो 36 लाख की बात है वो हो गया होगा 40 लाख के करीब, ये आपका जो रिपोर्ट अभी आया है वो बढ़ करके शाम तक, रात तक या सुबह तक आ ही जाएगा। एनीवे आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये बढ़ेगा, आपको संभावना होती है बढ़ने की अगस्त महीने, और अगस्त या सितंबर, इसी दो महीने में सबसे ज्यादा बाढ़ आई, और एक्सेप्शनली एक बार दो तीन बार ऐसा हुआ है अपने बिहार में, जो अक्टूबर के भी फर्स्ट वीक में एक दो बार ऐसा हुआ है जिसको में असर पड़ा है, और वो तो खास करके आप सब जानते ही हैं, गंडक और कोसी दोनों के बारे में जानते हैं कि दोनों जगह असर पड़ा है, कभी एक बार अक्टूबर में भी जाकर के, लेकिन खैर वो तो रेयर है। अभी तो अब ये बीत रहा है, ये महीना 29 तारीख आज हो गया, लेकिन अगस्त के लिए पूरी तैयारी, और जो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई इसका एकदम बिल्कुल आइडिया पहले से लगा करके रखिए, और लोगों को सेपरेटली ले जाने का उपाय हम लोगों को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस महीने में ही, जुलाई महीने में ही ये स्थिति अगर है, तो आप सोच सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में क्या होगा। वैसे तो कोई जानता नहीं, ये तो बिल्कुल पर्याय चीज है, नेचर की चीज है, कब कहाँ कितनी वर्षा होगी, और कितनी बार तो हम लोग देखे हैं कि खूब वर्षा हो गई, उसके बाद सूखा पड़ गया लास्ट ईयर, फिर वर्षा हो गई, तो वो तो इस बार स्थिति है नहीं, लगातार ही। और इस बार का देख लीजिए कि यूनिक है, आप देख रहे हैं ना कि ये कौन महीना बीत रहा, सावन, और घाक का तो पुराना हम पहले भी कह चुके हैं ना, वो कहा कि भाई अगर जेठ में पुरवैया चला तो सावन में तो धूल उड़ेगा, अब वो तो हुआ नहीं, आज देख रहे हैं ना, अब तो बचा कितना दिन है सावन का, अब कितना दिन बचा, मुश्किल से 7 या 8 दिन बचा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एकदम बिल्कुल है, ये जो पर्यावरण की स्थिति है वो एकदम बिल्कुल विभिन्न है इस वर्ष। एक तरफ कोरोना झंझट पैदा किया है लोगों के लिए, कब किसको कहां हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये फ्लड, तो हम लोगों को तो बिल्कुल हर तरह से तैयार रह करके चलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और दोनों चीज के लिए कहीं भी हम लोग रख रहे हैं तो रिलीफ कैंप और जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिए लोगों को बता करके, और जो बात तो तय हो गई कि सबको मास्क हम लोग देंगे, जैसे ही कोई रिलीफ कैंप आप चलाते हैं तो वहां पर मास्क देने का तो इंतजाम रखना पड़ेगा, तो वो तो देना ही चाहिए, और ये करके ताकि लोगों को प्रेरित करिए कि भाई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, और फ्लड है, अब फ्लड अफेक्टेड एरिया है, सब जगह कष्ट में तो लोग पड़ेगा ही, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं हमको ठीक लगा है कि भाई इंतजाम किए हुए हैं डॉक्टर्स का, तब तो हम लोग इस मामले में, प्रत्येक जी आपको तो मालूम ही हो गया है कि एंटीजन टेस्ट का भी हो ही गया है हर ब्लॉक में, तो ये सब जहां भी फ्लड का रहे और जहां भी हम लोग रिलीफ कैंप चलाएंगे अगर, तो उसको पहले एक बार जरूर करवा लीजिएगा टेस्ट, ताकि अगर किसी के पास कुछ हो तो उसको उस तरह से कहीं अन्य जगह पर रखने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वरना क्योंकि आज तक तो ये समस्या नहीं ना आई थी, आपको याद है ना 2008 में जो कोसी में ट्रेजडी हुई, तो उस स्थान में हम लोगों ने तो ये 10,000 तक सहरसा में कैंप चलाए थे, मेगा कैंप, मेगा रिलीफ, मेगा रिलीफ कैंप याद है, तो अब तो उसकी कल्पना आज कर नहीं सकते इस स्थिति में,
तो उस स्थिति में हम लोगों को थोड़ा, मेरा ये सुझाव होगा, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी अब दोनों है, तो इसलिए देख लीजिए कि वैसी जगहों पर थोड़ा वो, और टेस्ट तो नहीं, खैर कहें हाँ एंटीजन वाला जो है ना वो जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि अब ब्लॉक के लेवल तक पहुंचाने का की बात हो ही गई है, तो हम लोग इसको जरूर देखें। और हम चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहां पर काइंडली आप नंबर इसके किट्स का एंटीजन का बढ़ा दीजिए, फ्लड अफेक्टेड एरिया, क्योंकि लोगों की रक्षा हम लोग करना चाहते हैं। एक बार जांच कर लेंगे तो पता चल जाएगा, तुरंत जांच होने का तो वही तरीका है, इसका ध्यान रखिएगा, यही हमारा सुझाव है।